कोविड 19 के वैक्सीन का आज पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राई रन शुरू किया गया और लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज में भी ड्राई रन शुरू हो चुका है। 6 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 3 शहरी इलाके में और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं, जहां पर ड्राई रन आज से शुरू हुआ। शहर में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मोतीलाल नेहरू मंडलीय जिला चिकित्सालय, काल्विन और जीवन ज्योति अस्पताल को सेंटर बनाया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कोटवा, प्रतापपुर और कौढ़ियार के स्वास्थ्य केंद्रों को सेंटर बनाया गया है, जहां पर ड्राई रन शुरू किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही जल्द कोविड वैक्सीनेशन पूरे देश में शुरू होगा, उसके लिए आज ड्राई रन का आयोजन किया गया है, जो हमारे ज़िले में शहर में 3 और गांव में 3 जगहों पे किया जा रहा है। शहर में आप मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और जीवन ज्योति अस्पताल में किया जा रहा है। और इसमें 4 स्टेप हैं हमारे पूरे। बाहर गेट पे सुरक्षा गार्ड रहेगा, उसके हाथ में एक लिस्ट है, जो भी लाभार्थी आएगा वो उसके लिस्ट में नाम से मिलान करेंगे और उनके फ़ोन पे एक मैसेज आया हुआ होगा कि उनको इस सेंटर पे टीका लगना है, उसका मिलान करेंगे। गेट के अंदर आते ही उनको दूसरा वेरीफायर मिलेगा, वो पुनः उसको वेरीफाई करेगा। यदि उन्होंने मास्क नहीं पहना है तो मास्क पहनाएगा, सैनिटाइज करेगा और साथ में एक आशा हमारी रहेगी, वो उनको हैंड वॉशिंग के लिए बताएगी। जैसा कि आपने देखा कि टॉयलेट बाहर ही है, हैंड वॉश मशीन बाहर ही है, वहाँ वो लोग अपना हैंड वॉश करेंगे। देन एक वेटिंग रूम है जिसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए स्टूल लगाए हुए हैं, इस पर सब लोग बैठ के वेट करेंगे। उसके बाद वो लोग एक उसके जस्ट बगल में वैक्सीनेशन रूम है, जहाँ हमारे 2 स्टाफ हैं, एक वैक्सीन लगाएगी, एक जो है उसको लोड करेगी और वहाँ पे एक एक करके वेटिंग रूम से लोग जाएंगे, उनको टीका लगेगा। टीका लगने के बाद आगे वाला कमरा हमने ऑब्जर्वेशन रूम बनाया है, जिसमें हमने चेयर्स लगा रखी हैं। वहाँ जाने पर उनको आधे घंटे बैठना है, जिससे शायद कोई भी जो वैक्सीन लगने के बाद कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन या जिसको हम AEFI बोलते हैं वो ना होने पाए, होता है तो उसके सामने ही हमने एक रूम लिया हुआ है जिसमें हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और मॉनिटर रखे हुए हैं। वो यदि किसी तरह की कोई होती, दोनों डॉक्टर हैं, हमारे पास AEFI किट और एनाफाइलेक्सिस किट भी है, जिसमें हमारी सारी दवाइयाँ एडलिन, प्राइमाकॉर्ड, डेक्सोना, एविल, सिरिंज, नीडल सब कुछ के साथ किट बना के हमने रखा हुआ है। तत्काल ही हम लोग उसका मैनेजमेंट भी कर लेंगे। वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, ANM और पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही वैक्सीन के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में उनको बताया गया और किस तरीके से वैक्सीनेशन करना है वह भी सिखाया गया। सब होने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट एक आज की डेट में जो है सबसे ज्वलंत चीज़ है, उसके लिए हम लोगों ने 4 बैग दे रखे हैं बकेट के साथ, जिनमें पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग और काले रंग का है। काले रंग में हम लोग साधारण कॉपी, पेज, वो चीज़ें हैं वो रखी जाएंगी। पीले में जो स्वैब इस्तेमाल हो रहा है या कोई ब्लड लगा हुआ चीज़ है तो उसको रखा जाएगा। नीले में नोखीली चीज़ हम कटर से नीडल काट के और पंचरपूर बैग है उसमें वो नीडल रखी जाएंगी। और लाल में प्लास्टिक की चीज़ जो कटी हुई सिरिंज का पिछला हिस्सा है वो या कोई भी प्लास्टिक निकलता तो उसको रखा जाए। आज सुबह से वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो गया है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो ये टोटल बेनिफिशियरी वैक्सीनेटेड आ जाएगा, उसके बाद टुडे सेशन, तो ये उसी दिन खुलेगा जिस दिन का सेशन उसी दिन खुलेगा। हम चाहे एक दिन पहले खोल लें, बाद में खोल लें, नहीं पॉसिबल है। ये हमने ऑन किया इसको, ठीक है, ये हमने ऑन किया तो हमारे से ये अभी अपलोड करते हैं ना किसी का, आप ये जो लिस्ट आई है सॉफ्टवेयर वो हमारे इसमें अपडेटेड रहती है। हमने मान लो श्रीमती छाया रानी अस्टिन का किया टीके का उपयोग करने के बाद सिरिंज, निडल और अन्य प्लास्टिक सामग्रियों को अलग अलग कूड़ेदान में रखने का प्रावधान सिखाया गया, जिससे स्वच्छता का भी पूरा ध्यान दिया जा सके।
ये इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होगी, सबका रजिस्ट्रेशन होगा और सब पहले से रजिस्टर लखनऊ से ही पूरी लिस्ट पहुंची हुई है। एक दिन पहले इनका नाम आएगा, फ़ोन पर मैसेज आएगा कि आज के दिन आपको इस सेंटर पे वैक्सीन लगवानी है और इतने बजे पहुंचना है और एक अपना आई कार्ड लेकर के आना है। और यहाँ आएंगे तो सबसे पहले चेक करेगा, बाहर गार्ड एक चेक करेगा उसको, उनका आईडी देखेगा और उनका मैसेज देखेगा। फिर सेकंड फेज यहाँ पर आएंगे, सिस्टर हैं यहाँ, हाथ धोएंगे, सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद में एक वेटिंग एरिया है हॉल, उसमें डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 10 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। वेटिंग एरिया में थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर वैक्सीनेशन वाला रूम है, वहाँ सिस्टर रहेंगी, वैक्सीन लगाने वाली एक असिस्टेंट रहेगा और पेशेंट बस। तो वहाँ पर कितने लोग को वैक्सीन जब लगाने का है? एक दिन में वैसे 100 लोगों के लिए है, अब देखते हैं कितनी भीड़ रहती है तो उस हिसाब से थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है। वैसे अभी तक ये सोचा गया है कि एक सेंटर पे एक दिन में 100 लोग की लग जाएगी। और आज ट्रायल में कितने लोग को लगाया गया कुछ? आज तो 25 लोगों का ट्रायल किया गया और बहुत ही सेफ है, इसमें लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग लगवाएं वैक्सीन, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ पे डॉक्टर की टीम रहेगी, सारी व्यवस्था है, कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई किसी को परेशानी होती है तो तुरंत मैनेज हो जाएगी और वैसे बिल्कुल सेफ है, कोई तकलीफ नहीं होती। मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, SIC कॉलविन हॉस्पिटल। नहीं कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है, वैक्सीनेशन करवाया है, उसके बाद किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सेफेस्ट है, जैसे रूटीन में इंजेक्शन लगता है वैसे इंजेक्शन लगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो पहले से आप यहाँ पर आए तो आपके पास कुछ ट्रीटमेंट वगैरह टेस्ट वगैरह किया क्या? जी यहाँ आने के बाद सैनिटाइजिंग करा गया, डिस्टेंस मेंटेन कराते हुए बैठाया गया, उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो वैक्सीनेशन किया गया, उसके बाद फिर वेट करने के लिए कहा गया, फिर हम लोग वेट किए, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैंने आके बताया, फिर मुझे कार्ड कंप्लीट होकर दिया, फिर मैं चला। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसा आपको सर्टिफिकेट उन्होंने दिया ऐसा कुछ है? जी हाँ, उसके बाद हमको उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है और उसके बाद 28 दिन बाद दोबारा फिर हमको बुलाया गया है कि आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, सेंटर में आपको बुलाया जाएगा, फिर दोबारा आपको सेकेंड डोज फिर मिल लगेगी। तो 28 दिन बाद हम, मेरा नाम रियाज अहमद है।